पूज भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आपका शहर शहर खबर खबर में। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी बढ़ी हुई है। प्रथम चरण के मतदान को देखते हुए दूसरे चरण में भी सभी पार्टियों की तैयारियां जोरों शोरों पर है। उत्तर नगरीय निकाय चुनाव में परचम फहराने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और जनता को साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी में दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा। वहीं चुनाव के दौरान अव्यवस्था फैलाने वालों पर खास नजर रखी जा रही है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो यूपी के नगर निकाय चुनाव दो चरणों में होने थे। पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है जो कि 4 मई का था। वहीं आने वाले चुनाव 11 मई को होने वाला है। 13 मई को रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। पूरी पार्टी अपनी तैयारियों में लगी हुई है, सारी पार्टियां अपनी ताकत पूरी झोंक रही है। प्रत्याशी जनता के बीच जाकर उनका समर्थन मांग रहे हैं। आगामी चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। दूसरे चरण के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 11 मई को दूसरे चरण का मतदान होना है। वहीं 4 मई को पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। 13 मई को रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। सारी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। तो बता दें कि अव्यवस्था फैलाने वालों पर खास नजर रखी जाएगी। आगामी चुनाव को लेकर पूरी तरीके से पार्टी से लेकर प्रत्याशी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। 11 मई को निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होगा। पूरी पार्टियां अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। 13 मई को रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं पर बताया जा रहा है कि अव्यवस्था फैलाने वालों पर खास नजर रखी जाएगी। यूपी नगर निकाय चुनाव को दो चरणों में होने थे। पहले चरण का चुनाव 4 मई को था जो कि संपन्न हो चुका है। वहीं आगामी चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि अव्यवस्था फैलाने वाले पर खास नजर रखी जाएगी। पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता उपेंद्र जुड़ेंगे कानपुर से और विशाल बुलंदशहर से जुड़े। कानपुर में क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रही उपेंद्र? कानपुर निकाय चुनाव की बात की जाए तो लगभग पिछले 28 वर्षों से भाजपा का जो गढ़ पूरा माना था भारतीय जनता पार्टी के कानपुर, वही बात रही। अगर नेताओं की बात की तो समाजवादी पार्टी की बात जो है समाजवादी पार्टी के महासचिव और जो है विधायक शिवपाल सिंह यादव जो है आज यहाँ पे मौके पर रहेंगे, जैन जोर तो करेंगे और कई शहर के विधायक राजनीति होकर वो भी कानपुर में कहीं ना कहीं दिखाए तो समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक के तौर पर कानपुर आ रहे हैं और लगातार जो है भाजपा का और समाजवादी पार्टी को लगातार लेकर के बड़े बड़े नेता जो है कानपुर में रोड शो कर रहे हैं और अपने बड़े जो दावे जो है लगातार ठोकते चले आ रहे हैं। और बात की जाए अगर निकाय चुनाव सुरक्षा व्यवस्था की तो कानपुर कमिश्नर जो है बीपी जोगदान जो है और जो डीएम विशाखा जयर जो है वो पूरी तरीके से जो है सुरक्षा व्यवस्था के साथ सवन कर दिए गए हैं। लगभग इसमें कानपुर नगर में जो है 582 जो है जो पॉइंट बनाए गए जो मतदान स्थल है उसमें लगभग देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी 27 जो है अति संवेदनशील जो जो मतदान केंद्र है उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था जो है अभी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। विशाल, बुलंदशहर में कैसी तैयारियां देखने को मिल रही है दूसरे चरण के मतदान को लेकर? विशाल, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? उपेंद्र, देखिए कानपुर में अखिलेश यादव प्रचार प्रसार के लिए जाएंगे, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जी हाँ, मैं जो है आपको भी कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो है अखिलेश यादव जो है और उसके बाद डिम्पल यादव जो है सांसद कन्नौज और उसके बाद अगर शिवपाल सिंह यादव जो है कल जो है दोबारा फिर पुनः कानपुर में जो है इनका रोड शो है जिसको लेकर के जो पूरा समाजवादी पार्टी के जो महापौर प्रत्याशी है जो वंदना मलिना वाजपेयी उन्होंने पूरी तरीके से रोड शो जो है पूरा सक्रिय कर लिया गया है। और बात रही कहीं से देखा है तो अपनी बात कहीं ना कहीं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बार बार सरकार जो चुनाव आयोग की तरफ से लगातार कहा जा रहा है, कैसी तैयारियां देखने को मिल रही है, क्या कुछ और अधिक तैयारियां वहां पर की गई हैं? बिल्कुल, अगर देखा है तो मतदान केंद्र जो बने हुए हैं
अति संवेदनशील, उसको ड्रोन की नजर से रखा जाएगा, ड्रोन को लेकर के, और उसके बाद कहीं ना कहीं वीडियोग्राफी के माध्यम से जो है मतदान केंद्रों पर जो है चुनाव आयोग की जो पूरी टीम है कानपुर की वो सक्रिय रहेगी लगातार। वही बात अगर की जाए कानपुर के इरफान सोलंकी कांड को लेकर के और उसके बाद जो कानपुर हिंसा कांड पिछले साल जो जून में हुआ था उसको लेकर कहीं ना कहीं जो कानपुर पुलिस जो है ज्वाइंट कमिश्नर जो आनंद प्रकाश तिवारी है और देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो हर संवेदनशील इलाके पर जो है वो खुद मौके पर जा रहे हैं और जो है देखा जाए कहीं ना कहीं पीएससी अभी से लगातार करना चाहिए कि वोटिंग लेकर किसी तरह कोई मतदाता को असुविधा ना हो। हमारे साथ विशाल जुड़े हैं। विशाल, बुलंदशहर में किस तरीके से तैयारी देखने को मिल रही है, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर में निकाय चुनाव को लेकर तैयार पूरी तरह से प्रशासन तैयारी में जुट चुका है और जहां 17 निकाय चुनाव है और जहां 341 सभासद हैं। जी, क्या कुछ और अधिक तैयारियां देखने को मिल रही है, किन किन पार्टियों के बीच मुकाबला देखा जा रहा है बुलंदशहर में? मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर पहले बीजेपी का दबदबा रहा है और आपके जो देखा जाता है तो उसमें बीजेपी और बसपा का दबदबा नजर आ रहा है। उपेंद्र, कानपुर में 11 मई को चुनाव होने हैं, 9 मई को प्रचार प्रसार थम जाएगा, क्या कुछ पार्टियों में हलचल देखने को मिल रही है? 9 तारीख की बात की है तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा कानपुर में मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रही है क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री जो है वो जो 9 तारीख को कानपुर में जो जनसभा करेंगे उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तैयारी हो गई, हेलीपैड पूरे बन चुके हैं और अभी ताजा अपडेट आया है बिल्कुल की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो 9 तारीख को 11 बजे जो है वो रोड शो करेंगे। उस रोड शो करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी की जो महापौर प्रत्याशी है प्रमिला पांडे उनकी जो एक्टिविटी को लेकर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज कानपुर में जो है समाजवादी पार्टी जो है महापौर की बात अगर कही जाए तो महापौर की प्रत्याशी जो वंदना वाजपेयी जो है वो पूरी तरीके से जो है प्रमिला पांडे को जो है तो कांटे की टक्कर देखी जा रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि चूक ये है कि बीजेपी को ये बात का डर है कि लगभग 28 सालों से जो कानपुर में राज्य कर भारतीय जनता पार्टी के लोग उस पर कहीं ना कहीं सेंध लगाने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो है वो आज रोड शो, कल वही रोड शो कानपुर में कर रहे हैं तो कल देखा जाए कहीं ना कहीं जो सूबे के मुख्यमंत्री वर्तमान के और पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव वो दोनों लोग कल कानपुर में रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका उपेंद्र। विशाल, बुलंदशहर में कितने मतदान केंद्र बनाए गए, मतदान केंद्रों पर किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं? मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर में 17 निकाय चुनाव के बूथ बनाए गए हैं जहां प्रशासन पूरी तरह से तैयारी में चुका है और जो कोरोना कोविड को देखते हुए प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार चल रही माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को माफिया घोषित कर दिया गया है। प्रयागराज पुलिस ने एफआईआर में शाइस्ता को माफिया अपराधी घोषित किया है। प्रयागराज पुलिस ने एफआईआर में लिखा कि शाइस्ता परवीन अपने साथ शूटर रखती हैं। एफआईआर में 5 लाख इनामी साबिर को शाइस्ता का शूटर बताया गया है। जल्द ही माफिया सूची में शाइस्ता का नाम भी जोड़ा जाएगा। तो बता दें कि शाइस्ता परवीन को माफिया घोषित कर दिया गया है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को माफिया घोषित कर दिया गया है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार मुख्य आरोपी के रूप में शाइस्ता परवीन को एसटीएफ पुलिस तलाश रही है। वहीं शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार फरार चल रही हैं। पुलिस ने अब शाइस्ता परवीन को माफिया घोषित कर दिया है। इसी बीच बताया जा रहा है कि शाइस्ता अपने साथ साबिर एक शूटर रखती हैं जिसके साथ वो लगातार अपने लोकेशंस बदल रही हैं। उसके साथ लगातार वो अपने लोकेशंस के साथ शाइस्ता जो है फरार चल रही हैं। वहीं एसटीएफ पुलिस लगातार एसटीएफ की टीम इन्हें तलाश रही है। गुड्डू मुस्लिम का भी कुछ अता पता नहीं चल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता कलीम जुड़ेंगे। कलीम, शाइस्ता परवीन को माफिया घोषित कर दिया गया है।
देखिए नंदनी जी, जिस तरीके से ये शाइस्ता परवीन है जो पूरा कहा जा रहा है कि अतीक का पूरा नेटवर्क चलाती थी, लेकिन अतीक के शूटआउट के बाद से ये लगातार फरार चल रही है, जिस पर जो है 50,000 का इनाम भी घोषित हुआ था। लेकिन जिस तरीके से इसकी तलाश जो है यूपी के समेत कई अन्य जिलों में भी हो रही थी, चाहे एमपी की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, या फिर जो अन्य इसके आसपास के छठे जिले हैं, वहां पर भी जो है लगातार छापेमारी हो रही थी, लेकिन जो शाइस्ता परवीन है उसके को गिरफ्तार करने में कोई सफलता नहीं मिली थी। लेकिन अब जो बड़ी बात है वो ये है कि माफिया जो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन है, उसको पुलिस ने अपनी लिखा पढ़ी में जो चार्जशीट तैयार करी उसमें माफिया घोषित कर दिया है। इसके साथ ही जो बताया जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से शाइस्ता परवीन लगातार फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी चल रही है। लेकिन एक सवाल इसमें खड़ा ये होता है कि जिस तरीके से पुलिस की टीम जो है शाइस्ता परवीन को तलाश कर रही थी, असद का एनकाउंटर हुआ था, असद के एनकाउंटर के दौरान भी जब उसकी तलाश के लिए जो पुलिस टीम और या फिर महिला पुलिसकर्मियों सिविल ड्रेस में तैनात की गई थी, उस दौरान भी शाइस्ता परवीन उनको चकमा देने में पूरी तरीके से सफल रही थी। कल ही बताया जा रहा था कि जब असद का एनकाउंटर के बाद जब अतीक और अहमद और अशरफ की हत्या कर दी गई थी, उसके बताया जा रहा है 16 अप्रैल को वो असद के किसी दोस्त के घर पे रुकी हुई थी। देखिए ये साफ है कि जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि शाइस्ता परवीन प्रयागराज में ही छुपी हुई है, क्योंकि वो अपने बेटे असद के जो है जनाजे में भी शामिल होना चाहती थी लेकिन नहीं शामिल हो पाई थी। उसके बाद शूटआउट में उसके पति और देवर अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर दी गई थी, उस दौरान ये उसके जनाजे में शामिल होना चाह रही थी लेकिन नहीं हो पाई थी। लेकिन इस दौरान कहा जा रहा है कि जो उसका एक साथी है, यानी कि उसका जो एक रिलेशन का कहा जाए उसके घर पर रुकी हुई थी, इस दौरान जब इसका खुलासा भी तब हुआ है जब पुलिस उसको उठाई है, उससे पूछताछ की है, तब इस मामले में जानकारी आई। फिलहाल जिस तरीके से अब कहा जा रहा है कि जिस तरीके से वो रुकी हुई थी, रुकने के बाद वो वहां से दूसरे ही दिन निकल के अननोन जगह चली गई जहां पर किसी को कोई जानकारी नहीं, ना ही उसको जानकारी थी जहां पर वो रुकी हुई थी। फिलहाल जिस तरीके से 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, अंजाम देने के बाद से लगातार ये फरार चली, लेकिन एक इसमें बड़ी बात ये कही गई है कि जो शाइस्ता परवीन है वो अपने साथ शूटर को रखती है, क्योंकि इसको भी मालूम है कि जिस तरीके से अतीक का पूरा नेटवर्क ये चला रही है, क्योंकि अतीक जब से साबरमती जेल में गया था उस दौरान से ही पूरा नेटवर्क का संचालन इसके द्वारा किया जाता, किस तरीके से पूरी रणनीति तैयार की जाती है उस पर पूरा काम कर रही थी। क्योंकि कहा जा ये भी जा रहा है कि ये जिस तरीके से पुलिस परिवार से इसका संबंध रहा है, क्योंकि इसका पिता पुलिस विभाग में रहा, तो साफ कहा जा सकता है कि पुलिसिया दिमाग भी इसके पास पूरी तरीके से, क्योंकि किस तरीके से पूरी मॉनिटरिंग की जाती है, कैसे लोगों से बचना है, कैसे पुलिस से बचना है, कैसे पूरा घटनाक्रम का को तैयार करना है, उन सभी चीजों पर पूरी तरीके से ये सक्रिय रही है। और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अभी इस मामले में गुड्डू मुस्लिम जो फरार है वो कहीं ना कहीं इसी के संपर्क में शाइस्ता परवीन कही, और क्योंकि जिस तरीके से इसकी जो कई सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए थे उसमें भी साफ तौर से देखा गया था कि जो साबिर है वो भी इसके साथ साफ नजर आ रहा था कि एक घटना थी, घटना के दौरान जो पूरी रणनीति तैयार की जा रही है उसमें भी सीसीटीवी में साफ नजर आया था कि ये उसके साथ ही था। लेकिन फिलहाल जो सवाल अब इसमें ये आता है कि जिस तरीके से पुलिस टीम शाइस्ता परवीन की तलाश कर रही है, चाहे एमपी की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, लेकिन पुलिस के हाथ आखिर क्यों कहा जाए कि पुलिस विभाग ऐसा शख्स है जो लगातार शाइस्ता परवीन का सहयोग कर रहा है, उसको इनपुट दे रहा है, क्योंकि पुलिस जब पहुंचती है उसके पहुंचने से पहले ही शाइस्ता परवीन, क्योंकि इसमें एक बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पर सूचना शाइस्ता परवीन अभी निकली है, पूरी घेराबंदी भी कर रही है, जिम्मेदारियों का नंबर भी किया जाता है। कलीम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा दोबारा संपर्क करें हमसे। बता दें कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को माफिया घोषित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि शाइस्ता अपने साथ एक शूटर को रखती हैं जिसका नाम साबिर है। साबिर पर 5 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार शाइस्ता परवीन फरार चल रही हैं। यूपी एसटीएफ की टीम लगातार उन्हें तलाश रही है। वहीं गुड्डू मुस्लिम का भी कुछ अता पता नहीं चल रहा है। इसके बाद अब FIR दर्ज कर ली गई है जिसमें अतीक की पत्नी शाइस्ता को माफिया घोषित कर दिया गया है। बता दें कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को माफिया घोषित कर दिया गया है। UPSTF लगातार तलाश कर रही है अतीक की पत्नी शाइस्ता को। एक बार दोबारा फिर से हम संपर्क करेंगे कलीम की तरफ। कलीम, इसके बाद क्या लगता है UPSTF के लिए कितनी बड़ी चुनौतीपूर्ण है शाइस्ता परवीन को ढूंढना? एक तो वो बुरखे में है, इसके बाद लगातार वो अपनी लोकेशंस बदल रही हैं।
देखिए जिस तरीके से शाइस्ता परवीन की जो गिरफ्तारी की बात है वो एक पुलिस और एसटीएफ यानी कि केवल प्रयागराज ही पुलिस नहीं पूरी यूपी पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि शाइस्ता परवीन अब माफियाओं की लिस्ट में भी शामिल हो रही है, क्योंकि ये टॉप थ्री में अभी तक थी लेकिन अब माफियाओं की लिस्ट में पूरी तरीके से जब इसको शामिल किया जा रहा था तो कहीं ना कहीं साफ कहा जा रहा है कि ये अब यूपी पुलिस और एसटीएफ के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में खड़ी है कि आखिर इसकी गिरफ्तारी कब होगी, क्योंकि जिस तरीके से अतीक का पूरा नेटवर्क है इसको जो है खंगालने के पीछे जिस तरीके से लगा जा रहा है, इसमें चाहे वकील की बात की जाए जो वकील को भी गिरफ्तार किया गया जो इसका सहयोग कर रहा था, लेकिन उस दौरान उससे भी कई अहम सुराग मिले, उसका मोबाइल मिला, असलहा मिला 9mm पिस्टल जो कि पूरी तरीके से बैन है, उसको लेकर के जो है कई सवाल किए गए, लेकिन जो नेटवर्क की बात की जाए या फिर बेनामी संपत्तियों की बात की जाए उन सभी चीजों पर जांच चल रही है लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल खड़ा ये होता है कि जिस तरह से शाइस्ता परवीन को लेकर पूरे प्रयागराज में पुलिस को छावनी बनी हुई थी, पुलिस एक एक मकान एक एक ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी, इस दौरान पुलिस को चकमा देकर वो अपने जो अतीक का एक करीबी है उसके घर यानी कि मोहम्मद जतिन जाफर के घर पर रुकी हुई थी, लेकिन पुलिस को इस बात की भनक तक नहीं लगी और वहां पर वो लगभग 24 घंटे से अधिक समय तक रही जब तक अतीक का अंतिम संस्कार नहीं हो गया उस दौरान तक रही, और उसके दूसरे ही दिन उसने अपनी लोकेशन बदल दी। लेकिन जब छापेमारी हुई तो छापेमारी के दौरान जतिन को तो गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन जो शाइस्ता थी वो फरार थी। लेकिन कलीम अशरफ की पत्नी भी फरार चल रही है, गुड्डू मुस्लिम भी फरार चल रहा है, लगातार वो अपनी भी लोकेशंस बदल रहा है, तो अब यूपी एसटीएफ के लिए एक शाइस्ता परवीन के साथ साथ बहुत बड़ी चुनौती है दिखने में, क्योंकि इतनी लोगों को एक साथ ढूंढना और सारे के सारे अपने लोकेशंस बार बार बदल रहे हैं। देखिए नंदनी जी ये साफ है क्योंकि जिस तरीके से चाहे अशरफ की पत्नी की बात की जाए या फिर शाइस्ता परवीन की बात की जाए, क्योंकि अशरफ की पत्नी के पास इतना इनपुट नहीं होता है, लेकिन बात की जाए शाइस्ता की कि शाइस्ता एक मास्टरमाइंड महिला है, क्योंकि जिस तरीके से ये पुलिस विभाग में रही है, पुलिस विभाग को बारीकी से जानी है, बारीकी से समझिए, तो कहीं ना कहीं उसके हर पहलू की पुलिस की जो हर पहलू किस तरीके से वो अपना काम करती है उन सभी पहलुओं पर पूरी तरीके से इसकी निगाह रहती है, क्योंकि जब बात की जाए इसकी क्योंकि इसका इनपुट पूरी तरीके से पुलिस विभाग में मजबूत है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से अभी सूत्रों के द्वारा कहा गया था कि जब अतीक अहमद को साबरमती से प्रयागराज लाया जा रहा था उस दौरान 100 से अधिक पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर भी किया गया था, क्योंकि उन पर आरोप का लगाया गया था कि यह पुलिसकर्मी अतीक और उनके परिवारों की मदद करते हैं और इनको इनपुट भी देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से शाइस्ता परवीन फरार है तो कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों का पूरा सहयोग भी मिल रहा है, लेकिन वो पुलिस कर्मी कौन है जो शाइस्ता परवीन को पूरा सहयोग कर रहे हैं, उसको फरार रहने में पूरा सहयोग कर रहे हैं लेकिन इनको अभी तक चिन्हित नहीं किया गया है, तो साफ है कि जिस तरीके से उसकी पैठ जो कही जाती है कि पुलिस विभाग में पूरी तरीके से मजबूत है उसका साफ उसकी साफ गवाही है, तस्वीरें दे रही है कि जिस तरीके से शाइस्ता परवीन अब तक फरार है, लेकिन सवाल इसमें यह है कि एक जो बड़ा सवाल जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि शाइस्ता परवीन को लेकर पहली कॉल एक जो आई वो आज तक कभी किसी के विषय पे जानकारी नहीं दी गई, या फिर यूं कहा जाए कि वो जो इन्फॉर्मेशन शाइस्ता परवीन की दी गई थी क्या उसको गुमराह करने के लिए पुलिस को कि शाइस्ता परवीन उस स्थान से निकल जाए और पुलिस केवल घेराबंदी करते हुए छापेमारी करती रह जाए, क्योंकि जिस तरीके से कॉलर ने दिल्ली के पुलिस कंट्रोल रूम पर ना कि यूपी के पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना दी, दिल्ली के पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना देकर ये बताया कि शाइस्ता परवीन जो है बस में सवार है, उस बस में सवार होकर के वो हरदोई के रास्ते जा रही है, उस बस में कई और भी महिलाएं हैं, लेकिन जिस तरीके से एक प्राइवेट बस और एक सरकारी बस का नंबर दिया गया था, पुलिस ने रात भर जो है सड़कों पर चेकिंग अभियान चलाया था, उन बसों को भी ट्रैक करके उन बसों की चेकिंग की गई थी, उसमें महिलाएं तो मिली थी लेकिन शाइस्ता परवीन नहीं मिली थी, तो कहा जा रहा है कि साफ इनपुट है कि जो शाइस्ता परवीन है उसका संपर्क कहीं ना कहीं अभी भी पुलिस विभाग के बीच में मौजूद है, जो लगातार इसको इनपुट देता जा रहा है कि कब पुलिस छापेमारी करने वाली है, कब तुम्हारे स्थान पर पहुंचने वाली है, तो साफ है कि पूरा सहयोग मिल रहा है, लेकिन सवाल अभी भी यही खड़ा है कि आखिर जो एसटीएफ की टीम है जो एक बड़ी टीम मानी जाती है जो लगातार यूपी के कई जिलों में पूरी तरीके से घेराबंदी भी की रहती है और बड़े से बड़े माफिया भी इसकी गिरफ्त में है, लेकिन शाइस्ता परवीन अभी तक क्यों फरार है इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया, दावे बड़े किए जाते हैं चाहे एडीजी अमिताभ यश की बात की जाए या फिर पुलिस मुख्यालय जो स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार है उन्होंने भी बड़े दावे किए कि शाइस्ता परवीन को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। लेकिन बात की जाए जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड की, तो उमेश पाल हत्याकांड में जिस तरीके से 24 फरवरी को अंजाम दिया गया तो इसमें अब एक बड़ी बात
ये आ रही है कि शाइस्ता परवीन का जो बेटा है उसको भी कस्टडी में लेने की बात की जा रही है, क्योंकि उसको भी रिमांड पर लेने की जो बात सामने आ रही है कि रिमांड पर लेकर के उससे भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि अब जो उसका बेटा जो नैनी जेल में बंद है अली, उस पर भी आरोप है कि उसने भी पूरा इसमें सहयोग दिया है, पूरा षड्यंत्र रचा है कि किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम देना चाहिए, क्योंकि माँ बेटे दोनों का जिस तरीके से जिक्र आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये साफ कहा जा रहा है कि अब मुश्किलें थमने के बजाय बढ़ती जा रही, क्योंकि जिस तरीके से अनुमान ये लगाया जा रहा था कि अतीक का कि शूटआउट के बाद हत्या जिस तरीके से हुई थी, हत्या के बाद इसकी फाइल जी बिल्कुल कलीम, ये भी बताया गया कि अली से जो है असद मिलने गया था जेल में। देखिए ये जो अली और असद की कड़ी है ये लगातार जुड़ती जा रही है, क्योंकि आप जिस तरीके से पुलिस अपनी जांच करने की बात कर रही है और जो अली को रिमांड पर लेने की बात कर रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इस हत्याकांड से पहले असद नैनी जेल में मिलने के लिए गया हुआ था, उस दौरान जो है क्या बातचीत हुई है, उसका क्या कुछ खुलासा होगा, इस पर भी सभी की निगाहें बनी है। फिलहाल अतीक की जो फाइल है उसको तो बंद कर दिया गया, लेकिन जो केस है वो लगातार अभी भी चालू है। लेकिन अभी इसमें बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अतीक का कनेक्शन जो ISI से निकल रहा था, पाकिस्तानी कनेक्शन निकल रहा था, लेकिन जो वकील सौलत है जो इसका पूरा जो केस लड़ता था उसको भी गिरफ्तार किया गया, उसको भी जिस तरीके से उम्र कैद की सजा दी गई है तो कहीं ना कहीं जिस तरीके उसका सहयोग कर, लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से इसका ISI कनेक्शन जो था वो ISI कनेक्शन अब किससे जुड़ा हुआ है, क्या शाइस्ता परवीन भी उस संपर्क में आ चुकी थी कि शाइस्ता परवीन को भी सहयोग मिल रहा था, या फिर जिस तरीके से अक्सर देखा जाता है कि जो माफिया है या जो वांटेड लिस्ट में है या टॉप लिस्ट में वो यूपी छोड़ करके अन्य जिलों में चले जाते हैं, अक्सर देखा जाता है कि कई ऐसे माफिया हैं, या फिर महिला की बात की जाए या फिर पुरुष माफियाओं की बात की जाए, सभी लोग यूपी छोड़ करके अक्सर नेपाल में पाए जाते हैं, क्या नेपाल ये चली गई है या फिर इंडिया से ही बाहर निकल गई है। फिलहाल इस तरीके के कई सवाल लोगों के बीच में बने हुए हैं, लेकिन इसका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। फिलहाल STF की टीम लगातार इस पे दावे कर रही है और कड़ियां कई जोड़ती जा रही है इसमें, चाहे सहयोगियों की बात की जाए या फिर बिल्डर की बात की जाए या फिर जो इसका काला धन था उसको जो ब्लैक करने की बात की जाए या फिर जो बेनामी संपत्तियां हैं उसको उसकी बात की जाए, कई ऐसे। लेकिन कलीम ये तो साफ जाहिर हो चुका है कि साबिर जो है वो शाइस्ता परवीन के साथ ही है। देखिए ये साफ हो चुका है क्योंकि CCTV फुटेज जो सामने आया था उस CCTV फुटेज से साफ ये जाहिर हो चुका है, और पुलिस ने अपनी जो लिखा पढ़ी है उसमें भी ये जिक्र किया है कि साबिर जैसा शूटर शाइस्ता के साथ चल रहा है, क्योंकि उस CCTV फुटेज को भी जो है मेंशन किया गया है। इसके साथ ही कई और भी बातें कही गई, जिस तरीके से गुड्डू मुस्लिम की बात की जाए, क्योंकि अभी जो हाल ही में एक चिट्ठी वायरल हुई थी जिसमें गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता का जिक्र किया गया था, तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम अभी भी शाइस्ता के संपर्क में है, और वो फिलहाल शाइस्ता के संपर्क में होने के साथ साथ वो कई और माफियाओं के संपर्क में भी बताया जा रहा है गुड्डू मुस्लिम। जिस तरीके से गुड्डू मुस्लिम की बात की जाए इस केस से जुड़े हुए लोगों में, क्योंकि अभी गुड्डू मुस्लिम भी फरार है, उसके ऊपर 5 लाख का इनाम है। फिलहाल जिस तरीके से उमेश पाल का हत्याकांड को अंजाम दिया गया था इसमें 4 शूटरों का तो एनकाउंटर किया जा चुका है, लेकिन जो अन्य 3 अभी शूटर थे, क्योंकि इस घटना में 7 कुल टोटल शूटर शामिल थे जिसमें से गुड्डू मुस्लिम भी है, फिलहाल गुड्डू मुस्लिम पर भी 5 लाख का इनाम है, वो लगातार लोकेशन अपनी बदला, क्योंकि इसमें एक बड़ी बात ये आ रही है कि जिस तरीके से पुलिस ने दावा किया था कि गुड्डू मुस्लिम मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहा है जिसके कारण उसको ट्रैक नहीं किया जा रहा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कलीम। राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील में एक बार फिर नगर निगम का बुलडोजर चला है, जहां नगर निगम ने सरकारी जमीनें खाली कराई। नगर निगम ने लगभग 58 करोड़ की 23 बीघे की जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। इसके अलावा जमीन पर कब्जा करने वालों पर एक्शन लिया गया है, जिसके तहत अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि ये अवैध प्लॉटिंग नगर निगम की जमीन पर की जा रही है। तो नगर निगम का बड़ा एक्शन, बड़ी कार्रवाई जारी है। लगभग 58 करोड़ की जमीन को नगर निगम ने कब्जा मुक्त करवाया है। नगर निगम ने खाली कराई सरकारी जमीन को, बता दें कि लगभग 58 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त करवाया है। नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। अवैध प्लॉटिंग को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था जिसको नगर निगम ने खाली करवाया है। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।